select either. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने जश्न की तमाम हाजात पूरी फरमाए। बहुत बड़ी रात है, जाया ना करो, ज़रूर आमीन कहो। मेरे अल्लाह इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न रहे। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ताब कयाम कयामत आबाद है। अजीज मोहतरम वाजिबुल कद्र जनाब चांद भट्ट साहब और वो सारे अहबाब नाम बनाम जो इस कारवान का हिस्सा है, शहजादी सबको इज्जत अता फरमाए। बिरादर नवी जाफरी साहब से लेके वो बाबा मियां शाहजी तक एक पूरा कारवान है। दाएं बाएं सारे सुखन शनास लोग बैठे हुए हैं। शहजादी सबकी हाजिरियाँ कबूल फरमाए। मुर्शिद नवीद शाह ने और बाकी अब आपने जो दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हुई हैं, नाम बनाम माफ़ कीजिएगा, मैं सबके नाम लूँ तो गुंजाइश इतनी है, तीन जगह पे और हाजिरी देनी है। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस नहीं। मेरे मालिक मेरे वतन की खैर फरमा, पाक अदलिया की पाक आर्मी की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक ऐसे हज़ारों जश्न अली वालों को नसीब फरमा। हुक्म दे रहा हूँ आमीन कहना। मेरे अल्लाह इस जश्न का सदका हम गुनहगारों को कायम बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज। बादशाह जी अगे आ जाओ, जगह भी बड़ी। ऐसम शाह जी अगे आ जाओ, आओ आओ बाबा जी आओ। मेहरबानी आशमी साहब मेहरबानी करो, जड़े खड़े हो मेहरबानी करो अगे आ जाओ। पढ़ो एक बारी दरूद सोना करके बुलंद आवाज। इजाजत है बेटा, जश्न शुरू कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया, 10 से 10:45 तक मुझे आपको सलाम करना मकसूद था। कोशिश करूँगा 30-35 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपके ले लूँ। ढेर सारी नौकरियाँ अभी करनी है। बादशाह जी राजी रहे, दुआ करे आज शाबान तख्ती के हिसाब से 12 महीनों में खोल दे हाथ, खैर होगी। 12 महीनों में अकेला महीना है जिसके हर्फ भी 5 हैं, जिसके नुक्ते भी 5 हैं। शाबाश जियो गुजरा वाला, सलाम ही हो मेरा जी अश्मी साहब जी को, अबू पीर हुसैन इस्ताने ने, अल्लाह जी जी मेरा बेटा राजी इस्ताने ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 14 इस्ताने ने मेरे हिस्से का जश्न ही हो गया। बादशाह मुमकिनात की कसम है मैं समझा जी, मेरे हिस्से का जश्न हो गया, मेरे हिस्से की दाद हो गई। सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो। अशरे तुम्हारे यहाँ पढ़े पढ़ रहा हूँ, नौकरी रोज तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ, ये तुम्हारा एहसान है। फिर तुम रोज उसी में यार पे सुनते हो। आओ, साल भर में अकेला महीना है शाबान जिसमें रोज वलियों को अलियों की जियारत होती है। कोई है कोई खरीदार, है कोई खरीदार तो बोले बोले, टाइम थोड़ा है मेरे पास। जी जी अल्लाह अकबर। आखिर जी वो मेरा पुत्र गाजी इस्ताने ने, सलाम है जी बुजुर्गो, पुत्र जीवन तुहाडे, नसल जीवे तुहाडी। बेटा ये एक पिक ले और मुझे थोड़ा सा पढ़ने दे प्लीज, माय सन बुरा नहीं मानना प्लीज, मुझे आधा घंटा टोटल मेरे पास टाइम है, उसमें ये पिक पे मेरी तवज्जो जाया ना कर। मौला आपको सलामत रखे, सदा जिए सदा। जनाब नजम शिराजी साहब का हुक्म था, बड़े लाड से उन्होंने हुक्म किया था, बड़ा कीमती बच्चा है वो, उसने मुझे इतने लाड से कहा है, हाजिर होना ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया आपका, जिन लफ्ज़ों में आपने मुझे याद किया, बीबी आपको इज्जत दें। शाबान वाहिद महीना है जिसमें रोज़ वलियों को अलियों की, ये है ना मेरी मर्जी का, ये है ना मेरी मर्जी की रात। मैं कोशिश करूँगा अगर ये लोग सरेकी सुन लेंगे तो मैं पढ़ दूँगा, मेरा वादा हो गया पढ़ दूँगा। तो 5-7 मिनट मेरी मर्जी का सुन लो, फिर अगले 15-20 मिनट तुम्हारी मर्जी का सुन लेते हैं।
गुजरात तक का मातमी कामों की तक का दादार दिखाई दे रहा है, मुरीद के तक का मातमी, शेखुपुरे तक का मातमी वो सामने खड़ा हुआ है। मैं इमाम हुसैन बादशाह का सबसे छोटा नौकर हूँ और एक लफ्ज कह रहा हूँ तुम्हें अली की बेटी का वास्ता, जो लोग जश्न सुनने आए हो वो जरूर बोलना, बाकियों की अपनी मर्जी है। शाबान का आगाज उस शहजादी के जहूर से है जिसे समझना इस अकल से बाहर है। बस शाबाद इतना याद रखना, जिसे अल्लाह अली कहता है वो इसे आलिया कहता है। है कोई खरीदार, है कोई खरीदार, है कोई अली की बेटी का नौकर तो हाथ उठाए। है दर अब पूरा गुजरा वाला बोले यार। हाथ उच्चे 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 तेरे सुनने के क्या कहने, तेरे बोलने के क्या कह रहे हो मेरा लाल। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे तो सीख जीवे। जी अश्मी साहब गाजी इस्तादीन, ये लोग जो पूरे मुहर्रम में मुझे मेरे मिजाज के मुताबिक सुनते रहे, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनका मकरूज हूँ। जिसे अल्लाह अली कहता है। एक लफ्ज और कहूँ बेटा, तू वहीं कहीं बैठता नहीं, प्लीज मेरे बाद वाले बंदे को सुन लेना। जिसे अल्लाह अली कहता है वो इसे, मुझे देख, मुझे देख, जिसे अल्लाह अली कहता है वो इसे आलिया कहता है। एक जुमले की कीमत और दे दो और उसके बाद हुसैन की कसम है मेरा तकाजा खत्म। बोलोगे तो तुम्हारा मकरूज रहूंगा, न बोलोगे तो फिर गिला नहीं करूंगा। एक जुमला और मैं मुश्किल कहने लगा हूँ। तेरी मिल्लत का मोतबर तरीन नाम किबला काबा सरकार अलामा मामकानी अल्लाह मकामहु नफर अल्लाह मरकदहु फरमाते हैं, सज्जाद और बाकिर की मौजूदगी में हुसैन का करबला की असरे आशूर में असरारे इलाही जैनब के सपुर्द करना इस बात की दलील है कि जैनब एतमाद इमामत का नाम है। और सलाम यो गुजरा वाला, और सलाम यो गुजरा वाला, सलाम है तुझे। सलाम है आपको। हुसैन की कसम है जो नहीं बोला मेरा उससे भी गिला नहीं। हाशमी साहब हर बंदे के पास की बात ही नहीं कर रहा शौकत। 41 बरस हो गए मुझे पलकों से इस दरवाजे में झाड़ू देते देते, दुनिया में वो जगह ही नहीं जहाँ अली का जिक्र हुआ और मैंने ना पढ़ा। मैं तेरी दाद का मोहताज जाकर नहीं रहा। तू मेरे मेयार पे आ जाए तो बिस्मिल्ला, ना आए तो या अली मदद। अगर तू सुन सकता है तो फिर मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, नस है शिया मजहब में अल इमाम ज़ैनुल्लाह। इमाम वो होता है जो अल्लाह की जीनत हो, ये वो है जो अली की। बोलता बोलता नवी जाफरी, आज टाइम थोड़ा है, थोड़े टाइम में ज्यादा पढ़ना है। बोलता हूँ मेरे साथ, बोलता भाईजान जी हाथ उठाया करो, लगे तुम घर से जश्न पे आए हुए हो। इसे अली कहना आता है वो बोले हाय दरी। मेरा बेटा गाजी इस्तादीन, मैं छत हूँ जी, मैं थोड़ी नस्ल जी, मैं थोड़े सुनन दी क्या बात, थोड़े बोल मुझे 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 मैं सम बादशाह दुआवें ने तुआडिया मेरी हजार मजाले में इमाम हुसैन सब तो निका जाके ना ये जाफरी किसे मातमी दी जूते तले लिखे है शौकत रदा शौकत ले फिर जाए तेरा शहर सुनन लगी पे ही ना फिर एक जुमला शौकत ते मिंबर ते ऐलान कर दे कायनात तोल के चांद बतनू आंख मेरी तली ते रखे मैं इस जुमले दे बदले कबूल न करा नस है शिया मजहब में अल इमाम मुहाफिज तारैन इमाम वो होता है जो तारैन की हिफाजत करे ज़ैनब वो है जो इमाम की
चले मैं कर देता हूँ। अल इमामो ज़ैनुल्लाह, इमाम अल्लाह की जीनत, अली अल्लाह की जीनत, आलिया अली की जीनत। ना ना ना, अब बात यहां रुकेगी नहीं, अब बात यहां रुकेगी नहीं, सॉरी ना, इधर नहीं देखना, कुछ नहीं होता, मुझे देखना है। हाँ हाँ, अब बात इससे आगे जाएगी। तीन इमाम एक वक्त में कूफे में मौजूद थे, अली हसन हुसैन, बल्कि चौथा इमाम सज्जाद भी अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं कि मदीने में उनका जहूर हुआ, ना, मौला सज्जाद का जहूर भी कूफे में 36 हिजरी में हुआ। सज्जाद वो अली है जो अली की गवर्नरी में उतरा है। आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, जिन लोगों का मुझे पता है कि उन्हें सुनना आता है उन्हें बोलना चाहिए। मेहरबानी, अल्लाह करे तेरा हाथ ऊंचा रहे। सज्जाद वो अली है जो अली की गवर्नरी में, अगर तू हाथ खोले तो एक जुमला कहूँ तुझसे कह रहा हूँ, अगर तू हाथ खोले तो ना, फिर यहाँ रख लेता, हाथ खोल ताकि मैं एक जुमला कहूँ। मैं नहीं जानता आशमी साहब के अली और हुसैन का आपस में क्या ताल्लुक है और अली एन के कर्म का क्या तबादला है, ये वो ही जानता है। लेकिन तीन शाबान जश्न मनाने वाला खाली चला गया अगर न बोला, पता नहीं क्या मजबूरी है उस करीम ने। पहले अली के घर में हुसैन उतार दिया, फिर हुसैन के घर में अली। शाबाश शाबाश, हाथ ऊंचे 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 ऊंचे। आपको जश्न वाले सरदार हुसैन की कसम है, आप मेरी मदद करोगे, मैं एक जुमला और पढ़ दूं। जितने बंदे बाहर बैठे हो, जितने अंदर बैठे हो, जितने खड़े हो, तुम्हें हुसैन बादशाह की तशरीफ आवरी की कसम है, एक बंदा ऐसा ना हो जिसे सांस आ रही हो और वो बोल न बोल के मुझे दुखी करे। पता नहीं तलिस्म क्या है अली में। अली के घर में एक हुसैन उतारा, हुसैन के घर में सारे अली उतारे। बोल ना मामू जी जान, बोल ना। हक मानते हो बोलो, जो हक समझते हो बोलो। आपकी क्या बात, हाय दरी, इन बुजुर्गों की क्या बात, इसमें यार की क्या बात, इतनी मुश्किल बातों पे कम दाद होती है। जी तेरा हाथ ऊंचा रहे, जीवो सलामत रहो। अली के घर में एक हुसैन, मैं रट्टा नहीं लाया होया, मैं ही शौकत हूँ। हाँ, ये जो दाद देगा तो मैं पढ़ता जाऊंगा। आखें एक जुमला, अल्लाह की कायनात में नबी गुजरे, वली गुजरे, रसूल गुजरे, उल्लाह पैगंबर गुजरे, करूबियाँ आए, मखादीम आए, मातमी आए, सुल्तान आए, गब्बास आए, अब्दाल आए, कलंदर आए, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग आए। ये इज्जत सिर्फ हुसैन के हिस्से में आई, जिसे हुसैन पाले वो भी अली, जो हुसैन को पाले वो भी। जी 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 जी, थक गए हो भाईजान आप? हाँ हाँ, जवान सर उठाओ ना, सर उठाओ मेरे बच्चों, शाबाश। ए थो कमजोर बोल दे पे हो, जो हुसैन को पाले। जशन किसी और पास टुर जाएगा, तेरी बड़ी मेहरबानी, हाँ तेरी बड़ी मेहरबानी। आज जो की ओखियां गल्ला ते बोल, जो हुसैन को पाले वो भी अली, जिसे हुसैन पाले। वजह यही है, जब दरबारे शाम में यजीद ने मेरे मौला सज्जाद से कहा, मसमुख क्या नाम है तेरा, मुकैद शेर ने बातिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, इस्मी अली।
सदके 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 जी फरमाए इस्मी अली, मेरा नाम अली है जी, मैं तू गाजी इस्तां देनी हो पुत्रा। इतना मेरा दिल पे करता है गुजरां वाले आले वाला मां मंदर लखनवी दे एक जुमला पढ़ा, जो जड़े पीछे खड़े हो मेरा चंद, जे हाथ चाहो जे मेरे नाल वादा करो, 41 साल थोड़ी नौकरी की थी, 5 नस्लां मैंने छोड़ के जवान हुई ने, कि अज गुजरां वाले वादा करन में 2 मिनट अपने मिजाज तो हट के शौकत तेरी मर्जी नाल मैं समझा जे वादा करो बोलो, ते इत्थे जुमला आया मैं आखा जे इजाजत होवे ते अल्लामा मंदर लखनवी अल्लाह मकामहु नवर अल्लाह मरकदहु ने आज से 50 साल पहले लखनऊ में इशरा पढ़ते हुए फरमाया, काश मैं उस वक्त जिस्मानी तौर पे दरबारे यजीद में होता और उसकी बेबसी का मजा लेता। उसने अपने आप में सोचा तो होगा, करबला भी हो गई फिर भी अली। तक जिए और इस इलाके में अवेल हुए तो मेरा वादा है मैं डेढ़ भी कान जरूर कोशिश करूंगा हाजिरी देने। मौला कबूल फरमा, बात समझ आ रही नहीं आ रही, मैं इस तो बड़ी दुआ की होंगी एडी बड़ी दुआ की थी, मैं सिंध होना ना मैं आख्या ये मौला कबूल फरमा, जो तो मैं होने ही नहीं पंजाब ऐलान किमें कर दे, बात समझ आ रही नहीं आई। सलामत रहो, सदा आबाद रहो जी। टाइम टाइम बचा के सूते जुमला आखा फिर कह देना। फरमाते हैं उसने अपने आप में सोचा तो होगा, करबला भी हो गई फिर भी अली। सज्जाद ने कहा इसमें अली, उसने फहरिस्त उठाई, उसने कहा होगा यक तो वो तो शहीद हो गए, इस्तकामत के परवरदिगार ने कहा वो मेरा छोटा भाई है। ये बंडल ऑफ थैंक्स, मैं कब्र तक आपका मकरूर हो गया, मेरी कमजोरी है वो बंदा जो मुश्किल बात पे बोले। उसने कहा एक और अली भी है, फरमाया वो भी शहीद हो गया। उसने कहा तुम भी अली, तुम्हारा छोटा भाई भी अली, उससे छोटा भाई भी अली, क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब इस बात का। नवी जाफरी मैं त्रै शाबान मिंबर हुसैन से बावजूद वादा प्या करदा, ए जिक्र हुसैन कुरान समझ के सिर ते रख के बयाना, कब्र दी रात तक उस बंदे ने दुआ करांगा, जिन गल समझ आई थी वो बोल पिया। उसने कहा तुम्हारे बाप ने सारे बेटों का नाम अली क्यों रखा। आबिद ने कहा मेरे बाबा का दिल था अगर कभी दुश्मन इजहार दुश्मनी के लिए भी मेरे बच्चों का नाम ले तो उसे मजबूरन अली अली करना। बोलिया कर बोलिया कर, तू सोई तो होना मैं चला जाना। जीवें सारे जीवें सैयद, हाय लरी जीतो सिंह, जियो मेरा पुत्र दुश्मन अगर कभी। हाँ मैं कह रहा था एक वक्त में 3 अली थे कूफे में, बात नहीं भूलनी, एक वक्त में बात और जा 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 फोन करके आ जी। एक वक्त में 3 अली थे कूफे में, चौथा अली अली की झोली में आ गया, 4 अली हो गए। गल ना जाया करे अजय, ये झोली उठाए खड़ा हूं, इमाम हुसैन की कसम है, आज के जश्न की कसम है, 41 बरस की नौकरी की कसम है, महरूम रहूं 41 बरस की इबादत से अगर तुम्हारी खुशामद करूं। तुम मुझे आज लगे ही इस मेयार पे हो कि मैं जिंदगी का सबसे मुश्किल जुमला तुम्हारी नजर कर रहा हूं, शायद मैं इसी पे छोड़ दूं मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन मैं जिंदगी की सबसे कीमती बात तुम्हारी नजर कर रहा हूँ। अल्लामा मामकानी फरमाते हैं बहुत बड़े आलिम है शिया मजहब के, वो फरमाते हैं अली हसन हुसैन जैसे 3 आइम्मा की मौजूदगी में कूफा की कोई मस्तूर अगर शरीयत का कोई मसला पूछने दहलीज मस्जिद पे आ गई तो अली ने उसे मसला नहीं बताया,
अली ने कहा घर चली जा मेरे, मेरी बेटी से जाके पूछ जो हमें आता है वो ही उसे। शाबाश मैं आलिया ही पढ़ना चाह रहा हूं, अगर आप मेरी तवज्जो इधर उधर न करें तो चल इस बच्चे की तसल्ली के लिए पढ़ देता हूं। अली के दुश्मनों जन्नत हराम है तुम पर, अली के दुश्मनों, अली के दुश्मनों जन्नत हराम है तुम पर, दुआ करो कि जहन्नम तुम्हें कबूल। अली हक, तेरा कोई पता नहीं। अल्लाह हो अल्लाह हो। अच्छा ये जैसे बुजुर्ग बैठे हैं सामने, जैसे और सफेद ईश बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग मेरी तस्दीक करेंगे, हाशमी साहब अक्सर बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठ के फख्र करते हैं। जेड़े दिन मैं दुनिया से आया ना, जो मैं पैदा होया, मैंने मेरी अम्मी दसे साढ़े घर बाबे खादिम शाह ठतरी वाले आए सन, साढ़े घर किबला काबा सरकारी अलामा नसीम अब्बास साहब आए सन। तैन पता है मेरा मुकद्दर है, मेरी अख खुली है तो सामने नसीम साहब बैठे सन। मैं सब तो पहले उन्होंने ज़ियारत की, जा ऐलान कर अल्लाह के जहान में अकेली शहजादी अली की बेटी जो मैदान मैशर में नाज करके कहेगी मेरी आँखें खुली तो सामने पांच तन बढ़े थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अकेली शहजादी आपकी क्या बात है, सलामत रहें आप, खुदा करे ये माहौल कायम रहे, ये मिजाज सलामत रहे, सिवाय गमे हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। चार मिसरे तामील हुक्म में सरेकी का एक सलाम और उसी पे सलाम, माफ़ कर दीजिएगा गुंजाइश ही इतनी है। आप जिए आप सलामत रहें, छड़ दे बोलिया ने ना। अच्छा जी हाजिर सरैकी सुनने वाली है, मैं इसे डर तो पढ़ता नहीं पिया, चला चार में से उर्दू दे सुनो फिर सरैकी पढ़ दे, उर्दू दे चार दे सुन, मैं क्या चार में सुनते होए होए इन मुंह कर रहे सू। कहा कहा ये शामे गरीबा अली की बेटी ने, आ सुनते सही, कहा ये शामे गरीबा अली की बेटी ने अजा के अश्क पिलाकर वली बना दूंगी, हुसैन बोल अगर फौज की जरूरत है मैं यतीमों को कल तक अली बना दूंगी। सुनते सही, सुनते सही ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जल्दी कर जल्दी क्विकली मेरी तवज्जो तकसीम न कर, पिक बनाना बस टाइम दाय न कर। हुसैन बोल अगर फौज की जरूरत है मैं इन यतीमों को कल तक बदर दी मोहब्बत दा काश बन दे। बोल ना हुण बदर दी मोहब्बत दा काश बन दे, तू सिपियां को लेंदा है वो अलमास बनता है। जी बादशाह जी 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 बादशाह
पदर दी मोहब्बत दा आकाश बनदा है पुत्र जीवन मातमी जीवन ओ आखरी मातमी दा शुक्रिया पदर दी मोहब्बत दा आकाश बनदा है तू सिपियां को लेंदा है अलमास बनदा है तू यूसुफ दे वीरां दा दरिया होया है वीरा चंगा होवे ता इस तरह बोली है मलका मेरी बाजारों में शाम के लोगों को बाजार से डर है हाँ ना छेड़ मैं शौकत हूँ जी जी क्या बात है आ फिर अज तेरी क्या बात है इम्तिहान ही तय मस्त फकीर मलंग समझाए ते को ताकत दा अंदाज नहीं दे शाबाश शाबाश बोल मेरे लाल तय मस्त फकीर मलंग समझाए तय मस्त फकीर मलंग समझाए ते को ताकत दा अंदाज ही नहीं जेड़ा मातमदार ना यारा नहीं नाराज नहीं होना तय मस्त फकीर मलंग समझा नाराज नहीं होना मेरा पुत्र मैं पेंडा बड़ा करना तय मस्त फकीर मलंग समझाए ते को ताकत दा अंदाजा ही नहीं जेड़ा मातमदार हुसैन दहे कुरान तू पुछो नाची है जबरील है पीर फिरा साडा पूरा गिलमान रे आया है ने कोई ऐसा कमी बस अब्बास दे हैं सारी अर्शिया ना तो भाई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ऐसा कमी बस सब पास दे हैं मालिक दर्जात बलंद फरमाए किबला मोश नकवी आला लो मकाम हो अच्छा पढ़े तो हैं इस तरह बैठना नहीं ना 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 उसे मिसले अली यो मुस्तफा हसास कहते हैं उसे मिसले अली यो मुस्तफा हसास कहते हैं उसी को गैरत करार का आकाश कहते हैं जो काबिज हो के दरिया पर प्यासा ही पलट जाए वफादारों की दुनिया में उसे बोलो 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 सखी